हाय फ्रेंड्स, मेरे क्रॉस मर्सी लॉ स्टार चैनल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नेमपाल सिंह है और हमेशा की तरह एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और सोर्सेज से आपने पढ़ा या सुना होगा कि आधार कार्ड को लेकर काफी तरह की असमंजस परिस्थिति थी, कि इस बात पे काफी तरह का डाउट था कि आधार कार्ड कहाँ पर देना अनिवार्य है और कहाँ पर उसे नहीं दे दिया जाना चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो है काफी तरह से ये सोची जा रही थी। तो इसी संदर्भ में एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग थी, जिसमें हाल ही के दिनों में यानी कि पिछले महीने सितंबर 2018 में इसमें एक फैसला आया है, एक अहम फैसला, जिसमें कि ये फाइनल जजमेंट देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर जस्टिस दीपक मिश्रा, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उन्होंने और साथ में चार अन्य जजेस ने, यानी कि टोटल फाइव जजेस बेंच ने ये माना है कि आधार कार्ड जो है एक उसकी एक संवैधानिक वैधता है, यानी कि संवैधानिक रूप से वो एक वैध जो है कार्ड माना जा सकता है। और साथ में आधार कार्ड की वैधता को बताते हुए अब ये काफी स्पष्ट हो गया है कि आधार कार्ड कहाँ दिया जाना चाहिए या कहाँ नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कि अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ इसे संवैधानिक वैधता को जो है स्वीकार किया गया है। और ये ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया है कि किन किन क्षेत्रों में आधार कार्ड जरूरी है और किन किन क्षेत्रों में आधार कार्ड देना जरूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जब कभी हम बैंकों में खाता खुलवाने जाते हैं, तो यानी कि बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो वहाँ पर आधार कार्ड मांगा जाता था। लेकिन अब बैंकों में यदि खाते से संबंधित किसी भी मामले में जो है आधार कार्ड को अब अनिवार्यता उसकी खत्म कर दी गई है, यानी कि बैंक खातों से संबंधित या फिर कोई मोबाइल कंपनी आपसे किसी कनेक्शन को देने को लेकर जो है आधार कार्ड नहीं मांग सकती है। और साथ में कोई भी प्राइवेट कंपनी या फिर कोई भी प्राइवेट स्कूल या फिर सरकारी स्कूल किसी भी तरीके से उन स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए या फिर किसी अन्य पर्पस से जो है आधार कार्ड देना अब जरूरी नहीं है, और ना ही किसी प्रकार की परीक्षा में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या किसी और तरह की परीक्षाएं हैं तो उसमें भी आधार कार्ड अब देना अनिवार्य नहीं है। यानी इन सब की अनिवार्यता को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया है। और साथ में बताया है कि कोई भी सरकारी योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं जो सरकार की तौर पर सरकार की तरफ से मिलती है, यानी कि या राज्य सरकार की तरफ से मिलती है, केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है, तो उन सरकारी योजनाओं के संदर्भ में जो है उसे मांगा जा सकता है, आधार कार्ड को मांगा जा सकता है और वहां पर आपको आधार कार्ड देना पड़ सकता है। और साथ में कुछ जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जैसे कि पुलिस है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी है, तो इस तरह की जो एजेंसीज हैं, यदि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में या किसी और पर्पस से आपसे आधार कार्ड मांग सकती है और उनको आपको आधार कार्ड शो करना होगा और वो डिटेल्स भी आपको देनी होगी। और साथ में पैन कार्ड को जो है आधार कार्ड से लिंक करना बहुत अधिक अनिवार्य है, यानी कि अब इनके अलावा जो है और कहीं भी जहां कहीं भी आधार कार्ड की अनिवार्यता थी उन सबको रद्द कर दिया गया। यानी कि पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है, सुरक्षा एजेंसीज आपसे जो है आधार कार्ड मांग सकती हैं, और साथ में कोई भी सरकारी योजनाओं का यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से संबंधित हो चाहे वो राज्य सरकार से संबंधित हो, तो वहां पर आपको आधार कार्ड देना पड़ सकता है। साथ ही साथ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि बैंक खाता खुलवाने में या बैंक से संबंधित किसी भी कार्य में आधार कार्ड की कोई अनिवार्यता नहीं है, ना ही मोबाइल कंपनीज जो है आपसे आधार कार्ड मांग सकती हैं, ना ही कोई और प्राइवेट कंपनी किसी भी कार्य के संदर्भ में आपसे आधार कार्ड नहीं मांग सकती है। स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। किसी प्रकार की परीक्षा में यदि आपको कोई परीक्षा देनी है, चाहे वो किसी प्रकार की परीक्षा हो, वहां पर भी आपको आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट्स थी आधार कार्ड को लेकर जो पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाया है, और इस फैसले के बाद काफी सारे चेंजेस जो है हम फ्यूचर में देखने को हमको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैं आपको देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से।
और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ में मेरे चैनल क्रॉस मर्सी लॉस्ट स्टार को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियोज जो मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ में फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अब आप यदि कुछ ऐसे आर्टिकल्स या फिर पोस्ट को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप www.crossmercylawstar.com पर आप विजिट कर सकते हैं और वहां पर काफ़ी सारे लीगल आर्टिकल्स और जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको आप पढ़ सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सचेत रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।